क्या खाना खाते हैं, आप नहीं खाते, हम भी खाते हैं, ये उनका कहना है। हाँ, आज तक कितने खाए थे, खाना शुरू कर दिए। बोल रहे हैं कि आपका असर मेरे पे क्या है, रमन सिंह जी के ससुराल है ना, तो मध्य प्रदेश में तो छत्तीसगढ़िया खाना बनाना आता नहीं भाभी जी को, सीख गई होगी, तो अब बाहर में जा खा रहे हैं। सब सर, भारत जोड़ो यात्रा, कोरोना को लेके भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के सरकार के द्वारा वो अपनाए जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के पूरे सांसद लोग सभा में मास्क लगा के बैठे थे और भारत जोड़ो यात्रा, मतलब कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है भारत जोड़ो यात्रा से, और वो दर्द है बाहर निकल के आया है उनका, और रोकने के लिए तरह तरह खतकंडे अपना रहे हैं। सबसे ज़्यादा यदि कोरोना है तो चीन में है, तो चीन से जो यात्री आ रहे हैं उसको क्वारंटाइन करना चाहिए, वहाँ की जो प्लेन आ रही है और दूसरे लोग आ रहे हैं उसको रोकने के और उसे प्रतिबंधित करने, साथ ही उसके जाँच की व्यवस्था पहले करना चाहिए। केवल भारत जोड़ो यात्रा से तो क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री है केवल भारत जोड़ो यात्रा के लिए हमारे नेता राहुल जी को उन्होंने पत्र लिखा था, इससे समझ आ जाता है उसको कोरोना का भय नहीं है, उसे भय राहुल जी से है। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि आपके नेता यात्रा को विदेश में छुट्टी मनाने के लिए छोड़ रहे हैं। देखिए, मूल बात क्या है, मूल बात यह है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, राहुल जी दो मुद्दे पर पदयात्रा कर रहे हैं, तीन मुद्दे पे। पहली बात है बेरोजगारी, दूसरी महंगाई, उसके बारे में प्रहलाद जोशी या भारतीय जनता पार्टी के नेता या सत्ता में बैठे हुए लोगों को बयान देना चाहिए कि क्या महंगाई है इस देश में, क्या बेरोजगारी है इस देश में, इसके बारे में आंकड़े दे, या उस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में बताए, तो बात समझ आती है। अब पिछले 7 सितंबर से पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये कभी वो जूता के बारे में बात करेंगे, तो कभी टी शर्ट के बारे में बात करेंगे, तो कभी और कुछ बात करेंगे, इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना व्यक्तिगत रूप से ये लोग आलोचना राहुल जी के किए हैं, पूरी टीम लग जाती है, पूरी सरकार लग जाती है, तो भय उनको राहुल गांधी जी से है। सर, पीसीसी की बैठक अभी हुई थी, पीसीसी की अभी बैठक हुई थी, आप उसमें नहीं पहुंचे थे, आप तक न्योता नहीं आ पाया था, निमंत्रण नहीं पहुंचा था, क्या हुआ, क्या सूचना नहीं दी? मतलब यही सवाल पूछने आया, मुझे निमंत्रण पूरा था, अध्यक्ष जी भी आए थे, चूँकि पहले से बहुत सारी बैठकें, शासकीय बैठकें आयोजित कर दी गई थी, और फिर वो शाम के जो कार्यक्रम है जिसमें 4 लोग जो वक्ता हैं पीसीसी के द्वारा बुलाए गए थे बाहर से, उनके कार्यक्रम में उपस्थित था। पीएम आवास योजना में आपने भारतीय जनता पार्टी के पास अफवाह फैलाने के अलावा क्या है, बरगलाने के अलावा इनके पास मुद्दा क्या है? पीएम आवास के बजट में पैसा दे दिए हैं, पैसा रिलीज हो गया है, उसके बाद फिर बात क्या रह जाती है, ठीक है? सर, आरएसएस जो है क्रिसमस भोज कराने जा रही है, केरल से लेकर कश्मीर तक के जो प्रमुख है वो शामिल होंगे। देखो, अब ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराते, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट, कुछ राज्य, तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अभी लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं, तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं, तो इनके कथनी करने में बहुत अंतर है। सिद्धांत उन्दान से कोई लेना नहीं देना, नहीं सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधी करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है, ठीक है? थैंक यू। किसान दिवस है,
चौधरी चरण जी की जी के आज जयंती, और बड़े किसान नेता रहे हैं और बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, प्रधानमंत्री हैं, मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।